फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी HTML फॉर्म से डेटा को एक्सेल शीट में कैसे सबमिट करा सकते हो। जैसे यहां पे मैंने एक कस्टम HTML फॉर्म डिज़ाइन करके रखा है, और अगर मैं यहां पे एक नाम लूँ नितिन और ईमेल आईडी, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर, और जब मैं लॉगिन पे करूँगा इंटर, तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ रहा है कि थैंक्स कांटेक्ट करने के लिए, और डेटा यहाँ पे आ गया। वैसे ही अगर मैं कुछ और डेटा ले लूँ, जैसे नितिन टू है, और जब मैं सबमिट करता हूँ तो ये फिर से यहाँ पे सबमिट हो गया। तो आज के इस प्रोजेक्ट में मैं इसी को पूरा डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सोर्स कोड मैंने रेडी रखा है। सोर्स कोड के लिए आपको जाना है trikoweb.com/products.php पे, और जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो नीचे में स्क्रॉल करके आने के बाद आपको दिखेगा इसका सोर्स कोड, जो कि लिखा हुआ है सबमिट कस्टम HTML फॉर्म डाटा टू गूगल से। उस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये पूरा सोर्स कोड ओपन हो जाता है। तो पहला क्या है कि हमें एक HTML फॉर्म क्रिएट करना है, और उसके बाद फिर एक स्क्रिप्ट कोड है जो गूगल शीट में लगाना है। बस ये दो स्टेप को फॉलो करके हम लोग आसानी से अपने फॉर्म के डेटा को गूगल शीट पे सबमिट करा सकते हैं। तो मैं अपना ये एडिटर ओपन कर लेता हूँ, और इसमें कोई सा भी फोल्डर ओपन करना होगा। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा कस्टम फॉर्म के नाम से, आप कुछ भी नाम रख सकते हो इस फोल्डर का। फिर उसके बाद मैं इसे ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे जो भी आपके फॉर्म का नाम है वो आपको रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है form.html, ये एक HTML फाइल है। आप चाहे तो इसको PHP या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है कि मैं इस पूरे सोर्स कोड को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर उसे सेव कर दूँगा। तो अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा कस्टम फॉर्म वाला फोल्डर, और ये रहा form.html। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये पूरा एज इट इज वैसा ही डिज़ाइन है जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। अभी इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फॉर्म है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टाइल वाले पार्ट में इसका पूरा स्टाइलिंग हो रहा है। ये जो H1 लिखा हुआ है, ये इसका बैकग्राउंड है, ये फॉर्म है उसका स्टाइलिंग हो रहा है, और यहाँ नीचे में ये पूरा फॉर्म है, मीन्स फॉर्म का डिटेल्स दिया गया है। तो जब हम फॉर्म पे आते हैं तो ये रहा वो फॉर्म, और यहाँ पे ऑटो कम्प्लीट ऑफ है, और इस फॉर्म का नाम है गूगल शीट। और इस गूगल शीट पे एक सबमिट मेथड है, और क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू जैसे ये फॉर्म सबमिट होता है तो ये इस URL पे जाके सबमिट करेगा। और ये रहा गूगल मीन्स फॉर्म का नाम जो कि है गूगल सेट, ये रहा इस फॉर्म का नाम। तो जो भी आप फॉर्म का नाम दे रहे हैं उसे आपको यहाँ पे फेच करना है, और फिर से इस URL पे उसे पोस्ट कर देना है। बस यहाँ पे यही काम हो रहा है। अब जो बाकी का काम है वो है हमें गूगल सीट पे करना है। तो मैं चला जाता हूँ गूगल सीट पे, ये रहा गूगल सीट, मैं ओपन कर लूँगा, और फिर पर्सनल वाले पे चला जाऊँगा। और जैसे मैं पर्सनल पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक ब्लैंक गूगल सीट ओपन करने का ऑप्शन है, और जो थोड़ी देर पहले मैं आपको फॉर्म दिखा रहा था वो ये इंक्वायरी फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक गूगल सीट क्रिएट कर लेता हूँ, और इसे फिर सेव करना होगा हमें। तो मैं इसे सेव कर लूँगा। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख लूँगा माई इंक्वायरी। इसका नाम हो गया, और जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पे हमें फील्ड्स लगाने हैं। और फील्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तीन फील्ड आ रहा है, नाम है, ईमेल है और फ़ोन है। तो मैं यहाँ पे तीनों फील्ड का नाम लिख लूँगा, नाम, ईमेल और फ़ोन, ये तीनों फील्ड का नाम आ गया। जब एक बार ऐसा हो जाता है तो आपको टूल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से जाना है स्क्रिप्ट एडिटर पे। जब आप स्क्रिप्ट एडिटर पे आते हो, ये रहा स्क्रिप्ट एडिटर,
तो आपको इसका भी नाम चेंज कर लेना है, कुछ ले लेना है, जैसे मैं इसका भी नाम माई इंक्वायरी रख लेता हूँ। और ये फॉर्म है, इसे हटा देता हूँ और फिर से इसे सेव कर देता हूँ, माई इंक्वायरी। मैंने इसे सेव कर दिया है, ये सेव हो गया। और सोर्स कोड वाले फाइल में जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे वो स्क्रिप्ट कोड का सोर्स कोड दिया हुआ है, तो इसे आपको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पे वो सीट का नाम है जिस सीट में ये पूरा का पूरा डेटा जाएगा, और ये रहा सीट वन और ये उस सीट का नाम है। बाकी का जो है यहाँ पे पोस्ट मेथड जो वहाँ से डेटा पोस्ट होगा वो सीट में ऐसे आके वो डेटा हमारे सीट में रिफ्लेक्ट करेगा। इतना होने के बाद आपको क्लिक करना है रन पे। रन फंक्शन में दो है, मैं इनिशियल सेटअप पे करूँगा और ये फिर जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑथराइजेशन का परमिशन लेता है, तो मैं इसे एक्सेस करने के लिए अलाउ करता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा तो आपको एडवांस पे क्लिक करना है, फिर नीचे जाना है, गो टू माई इंक्वायरी अनसेव। यहाँ पे फिर से आपको अलाउ पे क्लिक करना है। ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया और फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, ये सही से हो गया। अब आपको इतना, जब आप इसे रन कर लोगे तो आपको पब्लिश पे क्लिक करना है और डिप्लॉय एज ए वेब ऐप करना है। यहाँ पे वर्सन का नाम लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ वर्सन 1.0। फिर ये मेरा ईमेल आईडी का नाम है ओनली टू माई सेल्फ से, मैं एनीवन इवन एनोनिमस भी कर देता हूँ और डिप्लॉय कर दूँगा इसे। यहाँ पे जो URL आया है आपको इसे पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये जो URL है स्क्रिप्ट URL, इसे चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको वही वाला URL को पेस्ट करके सेव कर देना है, बस इतना ही काम करना है आपको। और जब आप इतना काम कर लेते हो तो आपको अपने फॉर्म को फिर से रीलोड करना है। और ये रहा हमारा इंक्वायरी वाला फॉर्म। और ये रहा जो भी हमने क्रिएट किया, यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डाल के, जैसा कि आप देख सकते हो ये डेटा आ गया और यहाँ पे ये पॉपअप मैसेज भी आ गया। तो मैं फिर से कुछ और नाम ले लूँगा, और मैं फिर से सबमिट करता हूँ डेटा को। ये आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म काम कर रहा है। अब अगर आपको पॉपअप मैसेज चेंज करना है तो आपको यहाँ से वो अलर्ट में जाके यहाँ से आप पॉपअप मैसेज चेंज कर सकते हो। और कुछ और फील्ड ऐड करना है, जैसे मुझे मैसेज वाला फील्ड ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया और यहाँ पे फ़ोन है तो इसे टेक्स्ट कर लूँगा। यहाँ पे नाम है, मैं मैसेज कर लूँगा, मैसेज नंबर हो जाएगा टेक्स्ट। और यहाँ पे आ जाएगा इंटर मैसेज और इसे सेव कर देता हूँ। जब मैं इसे रिलोड करूँगा तो हमारा एक और फील्ड यहाँ आ जाएगा, ये मैसेज वाला। और मुझे जब मैसेज वाला यहाँ लगाना है तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज। और फिर से मैं देखूँगा कि क्या होगा। मैं एक नाम ले लेता हूँ, coding@trekoweb.com। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, मैसेज हे देयर। ये मैसेज इसमें नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से चेक करूँगा क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे नेम है मैसेज
और सारा कुछ सही है, फिर से रिलोड करूँगा। हाँ आप देख सकते हैं कि अगली बार इसे रिफ्रेश करने के बाद ये मैसेज फेच हो रहा है, और जब मैं इसके स्क्रिप्ट वाले कोड में आऊँगा तो यहाँ पे एक और कोड दिया हुआ है ये टाइम स्टैम्प का। अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको टाइम स्टैम्प लेना है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आके बस एक और फील्ड ऐड करना है टाइम स्टैम्प, और फिर से इसे रीलोड कर देना है। और जब मैं यहाँ ये वाले फील्ड को दोबारा से लॉगिन करवाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ गया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से एक कस्टम एचटीएमएल फॉर्म के डेटा को गूगल शीट में सबमिट कराया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल कोडिंग मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।